दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में स्वागत है। और आज का वीडियो फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाला है, खासकर जो लोग क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन में काम करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। डोंट इन्वेस्ट इन मैटिक प्रोजेक्ट नाउ। क्या ये अभी बहुत अच्छा मौका है इन्वेस्टमेंट करने का? आप में से बहुत सारे लोगों की क्वेरीज आई है कि मैटिक के ऊपर एक ऑनेस्ट रिव्यू किया जाए, मैटिक के ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बनाया जाए। तो ये वीडियो सिर्फ मैटिक का रहने वाला है। अगर आप मैटिक में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, या फिर आपने लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किया है, या फिर आप मैटिक में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, इस वीडियो को आप लोग पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैटिक के बारे में हर एक चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे, हम जो भी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं क्या वो प्रोजेक्ट सही है, क्या वो प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट करने लायक है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो मैं इन्वेस्टमेंट करने का डिसीज़न ले लिया हूँ उसमें हमें बहुत बड़ा लॉस हो जाए। तो इसलिए मैटिक जो प्रोजेक्ट है हम तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हम किसी भी प्रोजेक्ट को सबसे टॉप लेवल पर मानते हैं, जैसे बिटकॉइन हो गया, इथेरियम हो गया, रिप्पल हो गया, न्यू हो गया, बीएनबी हो गया। कुछ ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो बहुत ही सॉलिड प्रोजेक्ट हैं, बहुत ही टॉप क्लास के प्रोजेक्ट हैं। पूरी वर्ल्ड वाइड जितने भी बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनकी नज़र रहती है, वो प्रोजेक्ट को हम जो रखते हैं उनको टॉप लेवल के प्रोजेक्ट में रखते हैं, बहुत ही दमदार प्रोजेक्ट के रूप में रखते हैं। दूसरा जो हमारा कैटेगरी आता है वो है नॉर्मल ग्रुप का। नॉर्मल कैटेगरी के जो प्रोजेक्ट होते हैं सिंपल प्रोजेक्ट होते हैं, बेकार के प्रोजेक्ट नहीं होते हैं, ठीक ठाक प्रोजेक्ट होते हैं, वहाँ पर हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और तीसरा जो हमारा कैटेगरी है वो है बैड प्रोजेक्ट का, सिट क्वाइन प्रोजेक्ट का, या फिर वो डी लिस्ट में आ सकते हैं। तो अगर हम मैटिक की बात करें तो ना तो ये बहुत टॉप लेवल का प्रोजेक्ट है और ना ये प्रोजेक्ट एकदम बेकार लेवल का है। ये मैटिक जो प्रोजेक्ट है वो आपका बीच में आता है, मतलब ठीक प्रोजेक्ट है, गुड प्रोजेक्ट है, बेकार नहीं है, सिट क्वाइन नहीं है, एकदम से बेकार नहीं है। तो इसलिए मैटिक जो आपका प्रोजेक्ट है वो एक नॉर्मल ग्रुप कैटेगरी में आ रहा है और मैटिक में हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि सबसे बड़ा जो मैटिक का मेरे हिसाब से जो पॉइंट है वो ये है कि मैटिक की जो ट्रेडिंग टीम है बहुत ही स्ट्रांग है। जी हाँ, मैटिक प्रोजेक्ट अच्छा है, नो डाउट। मैटिक प्रोजेक्ट की जो ट्रेडिंग टीम है इससे मैं बहुत खुश हूँ। बहुत अच्छी ट्रेडिंग टीम है, हमेशा बहुत ही हाई बिड लगी हुई होती है, चाहे वो ट्रेडिंग टीम लगाती हो या फिर व्हेल्स का भाई कम्बिनेशन रहता हो। तो इसलिए ट्रेडिंग टीम बहुत ही अच्छी है मेरे हिसाब से। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि क्या मैंने मैटिक प्रोजेक्ट में ट्रेडिंग करवाई है, क्या मैंने कभी फ्री सिग्नल्स प्रोवाइड किए हैं, क्या मैंने प्रीमियम सिग्नल्स प्रोवाइड किए हैं। जी हाँ, सब कुछ करवाया है मैटिक प्रोजेक्ट में। आप सब लोगों को अगर याद हो, डेढ़ दो साल पहले जब ये मैटिक प्रोजेक्ट आया था मार्केट में तो बहुत ही कम प्रोजेक्ट था, बहुत ही मतलब नॉर्मल प्रोजेक्ट था, बहुत ही कम प्राइस था, 40 से 50 सतोशी का ये क्वाइन था। लेकिन स्टार्टिंग में मैंने इस प्रोजेक्ट में बिल्कुल भी एंट्री नहीं करवाई, ट्रेडिंग नहीं करवाई। कुछ दिन मैंने इसको रिसर्च किया, एनालाइज किया, उसके बाद में फिर मैंने सोचा कि इसमें हम ट्रेडिंग कर सकते हैं और अपनी फैमिली मेंबर्स को प्रॉफिट दिलवा सकते हैं। तो फाइनली मैंने किया क्या, जो हमारी पहली स्टार्टिंग की एंट्री थी, अगर आप सब लोगों को याद हो, उन्हीं लोगों को याद होगा जो लोग हमारे साथ में बहुत दिनों से काम कर रहे होंगे, तो पहली जो एंट्री थी नियर अबाउट 125 जोन की एंट्री हुई थी। जी हाँ,
वहां पर इंट्राडे ट्रेड कंप्लीट हुई थी, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कंप्लीट हुई थी, मिड टर्म भी कंप्लीट हुई थी, और जो लोग ज्यादा टर्म के लिए होल्ड किए थे, 3-4 महीने के लिए होल्ड किए थे, उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा मौका मिला था, और जो लोग जॉब या बिजनेस करते हैं उनके लिए एक बहुत अच्छा मौका मिला था। तो फाइनली मैटिक जो प्रोजेक्ट था वो 550 सतोसी के आसपास गया था। अब हुआ क्या, फाइनली सब लोगों ने प्रॉफिट तो ले लिया, धीरे धीरे करके सभी लोग एग्जिट हो गए, लेकिन जब ये कंटिन्यू प्रॉफिट दे रहा था, कंटिन्यू अप ट्रेंड में था, आप सब लोगों को याद होगा, तब इसमें फॉरेन कंट्री के इन्वेस्टर बहुत ही ज़्यादा इन्वॉल्व होना स्टार्ट हो गए। रीज़न ये था कि ये प्रोजेक्ट सिर्फ ऊपर ही जा रहा था बहुत अच्छे तरीके से। चाहे आप एग्जांपल देख लीजिए आप बाइनेंस प्रोजेक्ट का, आप देख लीजिए चैन लिंक प्रोजेक्ट का, आप देख लीजिए तेजस XTZ प्रोजेक्ट, ये 2-3 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो मार्केट में ऊपर की तरफ ही जा रहे हैं। करेक्शन आता है लेकिन बहुत कम। तो फाइनली मैटिक के साथ में भी यही हुआ था, लेकिन हुआ क्या, फाइनली जब फॉरेन के इन्वेस्टर एंट्री किए 400 सतोसी में, 450 सतोसी में, 500 सतोसी में, तो हुआ क्या, इसमें एक कोई फड फैल गया मार्केट में कि मैटिक जो कंपनी है वो अपने टोकन्स को सेल करने जा रही है, बहुत ही बड़े अमाउंट में ट्रांसफर किया गया है। तो मार्केट में एक इतना जबरदस्त फड फैला कि मैटिक प्रोजेक्ट वो एकदम फ्लैश क्रैश हुआ, डंप नहीं हुआ, इसको हम डंप नहीं कहते हैं, फ्लैश क्रैश। तो मैटिक जो प्रोजेक्ट था वो एकदम फ्लैश क्रैश हुआ और ये सीधे गिरा 550 सतोसी से 153 सतोसी, बहुत बुरी तरीके से गिरा, रात में 3-4 बजे की बात है। उसके बाद फाइनली क्या हुआ, जब मैं सुबह उठा 7-8 बजे, तो मैंने इसको देखा कि आप लोग वीडियो को ध्यान से सुनना और हो सके तो 2-3 बार देखना, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हम बताने वाले हैं। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। जब मैं 7 से 8 बजे उठा सो करके, तो मैंने देखा 153 पे ये डंप हुआ और 200 सतोसी के आसपास इसका प्राइस ऊपर जाने लगा, रिकवर होने लगा। तो फाइनली मैंने क्या किया, फ्री सिग्नल्स भी प्रोवाइड किया था 210 सतोसी में, 220 सतोसी में, 225 सतोसी में विद ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। और फाइनली हुआ क्या था, 1-2 बजे तक ये 309 सतोसी के आसपास चला गया। मुझे बहुत अच्छे तरीके से याद है, क्योंकि याद इसलिए है कि उस दिन मैंने मैटिक में बहुत अच्छा पैसा भी कमाया था, मैंने भी इन्वेस्टमेंट किया था, तो इसलिए बहुत अच्छा प्रॉफिट भी कमाया था, इसलिए हमको बहुत अच्छे से आज भी याद है। तो 309 फाइनली गया, सब लोगों को बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ, फिर से हमने वहां से एग्जिट करवाया। अगेन क्या हुआ, अभी 2-3 महीने पहले की बात है, न्यू ईयर की बात है, 220 सतोसी में हमने एंट्री करवाई, फिर से ये 309 सतोसी गया। उसके बाद क्या हुआ, फिर से एग्जिट हो गए, सभी लोगों को प्रॉफिट हो गया। और फाइनली हुआ क्या, अभी आप लोगों ने देखा होगा हमारी 3 से 4 ट्रेड हुई है मैटिक प्रोजेक्ट में, सारे के सारे प्रूफ टेलीग्राम में हैं, और वहां पर मैं एग्जिट भी करवाता हूं, एंट्री भी करवाता हूं, हर एक चीज मैटिक के बारे में बताया है, ऑडियो भी बना के अपडेट दे दिया है आज ही। तो अगर आपने टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है, बहुत सारे प्रोजेक्ट के बारे में एंट्री और एग्जिट करवाते रहते हैं। तो official.cryptoguru के नाम से टेलीग्राम चैनल अवेलेबल है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे, अभी लेटेस्ट 17 मार्च की बात है, लगभग 1 महीने पहले की बात है, हमने इसके बारे में पूरी तरीके से बताया, 2-3-4 ट्रेड जो हमने करवाई थी उसके बारे में हमने एक मैसेज लिखा, एक स्टोरी लिखी, और उसके बाद में क्या किया, 162 पर प्रीमियम चैनल में हमने सिग्नल प्रोवाइड किया।
और फाइनली उसके बाद में क्या किया हमने, 17 मार्च को ही हमने फ्री सिग्नल प्रोवाइड किया 166 सतोशी पर। तो इंट्राडे ट्रेड कंप्लीट हो गई, वेरी शॉर्ट टर्म ट्रेड कंप्लीट हो गई, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कंप्लीट हो गई। उसके बाद में नंबर आता है मिड टर्म का। जो लोग जॉब या बिजनेसमैन हैं या फिर वो एक्टिव ट्रेडर नहीं हैं, तो उन लोगों के लिए अभी 200 प्लस गया है, 205-10 के आसपास गया है, तो यहाँ पर एक अच्छा मौका बनता है सेल करने का और प्रॉफिट लेने का। अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि क्या मैं जो सिग्नल दे रहा हूँ ये सच है या झूठ। अगर आपको भरोसा हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हो रहा है तो आप टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर सारे प्रूफ A to Z आपको मिलेंगे। अब हम यहाँ पर बात करेंगे, आप में से बहुत सारे लोग यहाँ पर सोच रहे हैं कि क्या ये मैटिक का सबसे अच्छा टाइम है इन्वेस्टमेंट करने का, बाई करने का। बिल्कुल भी मत करना। जिस तरीके से बिटकॉइन में मना करता हूँ, जिस तरीके से हम ईथर में मना करते हैं कि इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, सेम उसी तरीके से आपको अभी करंट प्राइस में, मतलब 200 प्लस सतोशी के जोन में मैटिक में एंट्री लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि क्या हमें मैटिक प्रोजेक्ट को अभी होल्ड करना चाहिए। सबसे पहली बात, जब आपको मौका मिले प्रॉफिट का आप हमेशा बुक करते रहिए, नहीं तो आप क्या करेंगे, बाद में पछताएंगे। जब प्राइस डंप होता है, प्राइस क्रैश होता है, तो आपको बहुत पछतावा होता है, इसलिए प्रॉफिट हमेशा बुक करते रहिए। शॉर्ट टर्म ट्रेडर, इंट्राडे ट्रेडर और मिड टर्म ट्रेडर, ये दोनों तीनों लोग अपना पार्ट्स में यहाँ पर सेल कर सकते हैं, प्रॉफिट ले सकते हैं, होल्ड करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। उसके बाद में यहाँ पर जितने लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया था सेल कर दीजिए, प्रॉफिट लेते रहिए। मिड टर्म टारगेट थोड़ा सा हो सकता है और ऊपर जाए, लेकिन अभी आपको 25-30% का प्रॉफिट हो रहा है, तो लालच करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे, आप में से बहुत सारे लोग पूछा करते हैं कि क्या हमें मैटिक प्रोजेक्ट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं। देखिए, मैं अपना ओपिनियन आपको बता रहा हूँ। सबसे पहली बात, मैटिक प्रोजेक्ट को हमने कौन सी कैटेगरी में रखा, टॉप लेवल में बिल्कुल नहीं रखा, सेकंड कैटेगरी में रखा है। लॉन्ग टर्म के लिए मैं रिकमेंड नहीं कर सकता हूँ। मिड टर्म के लिए आप कर सकते हैं, 2-4, 6 महीने, 8 महीने, 1 साल तक आप रख सकते हैं, लेकिन उसके बाद के लिए अगर आपको रखना है, जैसे 3-5 साल के लिए अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है, तो बहुत सोच समझ करके करिएगा। और ऑलरेडी मार्केट में बहुत अच्छे प्रोजेक्ट हैं, तो इसलिए इतना रिस्क लेने की ज़रूरत मेरे हिसाब से नहीं है। तो इसलिए लॉन्ग टर्म की हमें ज़रूरत नहीं है। आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कीजिए, मिड टर्म ट्रेडिंग कीजिए, प्रॉफिट लीजिए और बाहर होइए, दैट्स इट। तो यही था इम्पोर्टेंट वीडियो आप सब लोगों के लिए। और हाँ, चलते चलते एक ज़रूरी बात, आप में से बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि आखिर मैटिक का प्राइस प्रिडिक्शन मिड टर्म में क्या हो सकता है। इजिली मैं आपको बताऊं, जो प्राइस प्रिडिक्शन है 500 सतोशी, कन्फर्म मान के चलिए मिड टर्म में 2-4 महीने में, जैसे ही ये कोरोना वायरस खत्म होगा, जैसे ही सब कुछ अच्छा होगा, स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, फॉरेक्स ट्रेडिंग, गोल्ड, सिल्वर, डायमंड, सब कुछ जैसे अच्छा हो जाएगा, मार्केट में सब कुछ मेंटेन हो जाएगा, सब नेचुरल हो जाएगा, उस दिन आपको मैटिक यहाँ पर परफॉर्म अच्छा कर सकता है और बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। तो इसलिए 500 सतोशी आसानी से जा सकता है, और अगर मार्केट बहुत अच्छी हुई तो 1000 सतोशी भी जा सकता है, बहुत आसानी से जा सकता है। क्योंकि पिछली बार ये जब 550 गया, दोबारा 550 गया, तो वहाँ पे एक्सपेक्टेशन लगाई गई थी कि ये 1000 तक जाकर रुक सकता है, लेकिन मार्केट में फट हुई और निगेटिविटी फैलाई गई, इसकी वजह से मैटिक फ्लैश क्रैश हो गया और फुल डंप हो गया। तो यही था इम्पोर्टेंट वीडियो आज का। अगर वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं मैटिक कॉइन के बारे में, और चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो कर लीजिए। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बेस्ट आप लोग, हैव अ नाइस डे।